क्या तुम्हें पता है स्कूल की सबसे बेस्ट चीज क्या होती है? लंच ब्रेक? नहीं। गेम्स पीरियड? नहीं। तो फिर हॉलिडे? नहीं। अरे तो भाई फिर क्या होता है? स्कूल पिकनिक। एंड ये बात तो तुम भी मानोगे कि स्कूल पिकनिक से ज्यादा मजा और किसी चीज में नहीं आता। एंड इससे पहले कि हमारे क्लास में पिकनिक की अनाउंसमेंट हो, लोग रूमर्स फैलाना शुरू कर देते हैं और वो नेक्स्ट लेवल रूमर्स होते हैं। ओए तुझे पता है 9th और 10th की पिकनिक कैंसिल हो गई है? भाई मुझे तो डर लग रहा है हम 8th वाले की पिकनिक ना कैंसिल कर देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी पिकनिक कैंसिल नहीं हो रही, हम रामोजी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। क्या बात कर रहा है? तुम्हें पता है मैं अपने पापा के साथ ऑलरेडी रामोजी यूनिवर्सिटी जा चुका हूँ, वो बड़ा मस्त होता है। अच्छा उधर क्या होता है बता तो। भाई उधर उधर भाई देखो उस टाइम पे ना मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं फेंक रहा था, और मेरे को तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था। एंड उसने जब मुझसे कुछ पूछा मैं तो भाई कुछ भी बोल दिया। भाई तो रुको गया बताना उधर क्या होता है। उधर एलियंस होते हैं क्या? हाँ भाई एलियंस, और 5 रुपए दोगे तो नाच के भी दिखाएगा। भाई मेरे पापा पैसे नहीं देंगे। भाई तेरे लिए 5 रुपए मैं ला दूंगा। ठीक है भाई, सिर्फ उसी के लिए पैसे लाएगा, दिखा दी दोस्ती। ठीक है भाई तेरे लिए भी 5 रुपए ला दूंगा, टेंशन मत ले। आई नो ये चीज बड़ी स्टूपिड सी थी लेकिन यार बच्चे थे तब हम। खैर जब पिकनिक के अनाउंसमेंट फाइनली हो जाती है ना तब इधर पे ग्रुप्स बनने लगते हैं क्लास में। राजू तू कूल है, तू अपने गैंग में रहेगा। और शाम तू, तेरे पास बहुत पैसा है ना, तू भी अपने गैंग में। फिर बंटी तू कूल भी है, तेरे पास पैसा भी है, तू भी अपने गैंग में आ जा। और आखिर में ये कौन है माइक? भाई मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इसे, कौन है ये? ओए तू अपने साथ नहीं आ रहा। ओके एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं हुआ था लेकिन ऐसा था कि ये लोग ज्यादा ग्रीडी थे तो मैंने खुद का एक ग्रुप बना लिया। एंड नेक्स्ट डे जब हम अपने पिकनिक स्पॉट पे बस से जा रहे थे इधर बच्चों को भूख लगने लगती है एंड या सब लोग अपने स्नैक्स फाड़ लेते हैं एंड खाने लगते हैं। और तभी मेरा दोस्त मुझे एक खाली ब्रिटानिया का पैकेट देता है जिसमें लाइक ब्रिटानिया का पाउडर लेफ्ट होता है, तो उसको देख के भाई मेरी अलग से सनक जाती है। एंड बिना कुछ सोचे मैं वो पैकेट डायरेक्ट खिड़की के बाहर फेंकता हूँ। एंड सोचो तभी क्या होता है। भाई देखो मुझे नहीं पता था कि ब्रिटानिया का पैकेट जो मैंने बाहर फेंका वो जाकर किसी बाइक वाले को लग जाएगी। एंड वो तो अलग बात थी, उसकी आंखों में वो पाउडर भी घुस जाता है एंड उसकी आंखें जम से लाल। एंड अब देखो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात होती है कि कोई तुम्हारी आखिर आंखें जला दे तो तुम उसको ऐसे छोड़ने नहीं वाले, तो उनने हमारी बस रुकवा ली एंड फिर वो हमारे बस में चढ़ गए। बट हमारे क्लास टीचर ने सब संभाल लिया। लेकिन मैम को ये जानना था अब कि ये पैकेट किसने बाहर फेंका, और मैम बड़ा क्यूरियस हो रही थी इस चीज को लेकर के और मेरी अंदर से फटी जा रही थी। तभी लोगों ने पीछे चिल्लाना शुरू किया, मधु मधु मधु। देखो मैं नहीं जानते है मधु कौन है बट कोई तो फंसना था ना, तो मैं भी चिल्लाने लगा, मैंने देखा मधु ने किया। और ऐसे करके तुम्हारा भाई बच गया। एंड अब हम पहुंचे पिकनिक स्पॉट पे। अब उधर पहुंचती मैंने ये सोचना शुरू किया कि मैं अब 200 रुपए का करूंगा क्या, या मेरे पास 200 रुपए देता एंड मैं सोचने लगा कि मैं इस 200 रुपए में क्या क्या कर सकता हूँ। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि भाई इसके पास 200 रुपए आए कहाँ से, तो मैं बता दूँ पिकनिक की एक रात पहले मैं अपने पापा के पास गया था। पापा हाँ कल पिकनिक जाना है। हाँ तो जाना, किसने मना किया है? पापा पैसे। पैसे चाहिए तुझे? ले ले वॉलेट से 10 रुपए। 10 रुपए क्यों ज्यादा है? नहीं वो 200 रुपए मिल जाते तो। 200 रुपए? एक काम कर मैं चले आता हूँ तेरे जगह। अरे पापा मजाक क्यों कर रहे हो, दे दो पैसे, जो बोलोगे वो करूंगा। अच्छा जो बोलूंगा वो करेगा? हाँ मतलब ठीक है फिर। A few minutes later. दवा दवा ठीक से दवा। तो इसे मैं कहता हूँ मेहनत की कमाई, और तुम भी अगर ऐसी मेहनत की कमाई अभी भी करते हो तो कमेंट में बताओ #मेहनत की कमाई बोल के। एनीवेज तो मैं ये सोच रहा था कि मैं वो 200 रुपए कैसे खत्म करूँ, और तभी मेरा दोस्त आता है एंड वो मुझे एक अलग जगह के बारे में बताता है। नहीं मतलब वो कहता है कि उसको एक जगह मिली है और उधर में पिरामिड्स है, उधर पे कुछ गेम्स है। मुझे उसकी बातों पे यकीन नहीं होता तो मैं उसको फॉलो करता हूँ, और मैं जब उस जगह पे पहुंचता मैं देखता हूँ यस उधर पे सच्ची में पिरामिड्स है, उधर पे नीचे जाने का रास्ता होता है। तो मैं नीचे जाता हूँ और मैं देखता हूँ वो, मेरी आंखें फट जाती है देख के। भाई उधर पे गेमिंग जोन होता है और अगर तुम उन गेम्स को खेलोगे ना तो तुम्हें उधर पे प्राइजेस भी मिलेंगे। अब मुझे ज्यादा उनके रूल्स के पता नहीं था तो मैं खेलने लगता हूँ एंड मैं खेलती रह जाता हूँ। और फिर तभी अंकल बोलते उधर के, पैसे निकाल 200 रुपए। क्यों? क्यों क्या? इधर पे तूने चांसेस खेल लिया ना 200 रुपए वाला टोटल में हैं? मतलब एक बार जीता तो एक्स्ट्रा चांस नहीं? नहीं भाई तो स्कैम है। तो ऐसे करके मैं उस जगह पे लुट जाता हूँ और फिर मैं ऊपर आता हूँ।
मैं अपने दोस्त के चेहरे की तरफ देखता हूँ एंड मैं समझ जाता हूँ कि इसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, और क्योंकि इसका काटा इसने सोचा कि किसी और का भी काटना चाहिए और ये आया मेरे तरफ। मैं उस समय गुस्से में था, लेकिन फिर मैंने उसके साथ सोचा कि अब हमारा कटा है तो हम बाकी लोगों का भी काटेंगे, तो हम दूसरे क्लासमेट्स की तरफ भी चले जाते हैं उनका काटने के लिए। काटने के बाद सब ऐसे पड़े हुए थे जमीन पे जैसे उनके पास कुछ भी नहीं बचा। उनके पास जो भी कुछ था वो लुट चुका है, उनको हलाल कर दिया गया है, और मुझे मजा आया वो सब करके। वो अलग बात है, कुछ लोग मेरी जान के पीछे भी पड़ गए थे। सो हे, वीडियो कैसा लगा तुम्हें? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी रिलेटेबल वीडियोस को देखने के लिए। एंड अगर तुम्हें इधर पे कुछ भी ऐसा लगा कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जरूर हार्ट दूंगा। एंड न्यू वीडियो भी जल्दी आ रही है, तो मैं तुम्हें ऐसा बोलना चाहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ भी आप लाइक शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, ताकि वो भी रिलेट कर सके एंड हमारे चैनल थोड़ा ग्रो, ताकि दूसरे वीडियोज़ को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। सो या मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए छोटा सा ब्रेक।